इस फोटो में आप देख पाओगे कि पीवीसी पाइप को ले जाने के लिए प्लिन बीम को ही तोड़ दिया गया थ्रू आउट यहाँ से वहाँ तक। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है। अगर पीवीसी पाइप आपको देना है तो आप उसे प्लिन बीम के नीचे से निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्लिन बीम को तोड़ देंगे तो उसका देने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब उसकी स्ट्रेंथ वैसे ही वीक हो जाएगी क्योंकि आपने उसे बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ दिया है। और इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉलम बीम, प्लिन बीम, इन सबको आप कभी ना तोड़ें इस तरह से। अगर आप इस तरह से तोड़ेंगे तो वो वीक हो जाएगा, तो आपका कॉलम बीम या प्लिन बीम आप जिसे भी तोड़ेंगे वो वीक हो जाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होगी। तो अगर आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कौन सा पाइप निकालना है, उसके बाद ही आपको काम शुरू करना चाहिए। और इस तरह से आप अगर गलती करते जाओ तो आप जितने भी फ्लोर बनाने वाले हो ऊपर जाते जाते बहुत गलतियाँ होंगी, जिससे आपके